हेलो अरुण, मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए A74 5G और Oppo F19 के बीच कैमरा कंपैरिजन। दोनों ही 17,990 की प्राइसिंग पे आते हैं और दोनों ही 48 मेगापिक्सल रियर कैमरा सेटअप के साथ आते हैं। F19 में यहाँ पर 16 मेगापिक्सल सेल्फी दी हुई है और Oppo A74 में 8 मेगापिक्सल दी हुई है, तो सेल्फी में ऑलमोस्ट डिफरेंस आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से HDR रेंज में। दोनों में ही यहाँ पर सन राइज हो रहा है, तो आप देख सकते हैं डिफरेंस कितना आ रहा है। और ये 48 मेगापिक्सल है दोनों का। F19 में सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, तो थोड़ा सा कलर्स वगैरह इसमें ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, दोनों ही फ़ोन ने पोर्ट्रेट जो शॉट लिए हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमाल के लिए हैं, और इन दोनों में से A74 के पोर्ट्रेट्स ज़्यादा अच्छे निकल कर आए हैं। कुछ और बैक कैमरा के सैंपल आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने एंगल चेंज करके भी लिए हैं, तो दोनों ही लाइट अच्छे से एडजस्ट कर पा रहे हैं। कलर्स वगैरह भी आप देखोगे ऑलमोस्ट सेम है, बस F19 में सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने के कारण थोड़े से कलर्स इसमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप और कुछ देख सकते हैं, ग्रीनरी में भी मैंने लिए हैं, तो F19 के जो सैंपल है वो ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पर आप और देख सकते हैं, कलर बूस्ट आपको F19 में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पर पोर्ट्रेट्स मैंने कुछ सब्जेक्ट के भी लिए हुए हैं, नॉन मूविंग सब्जेक्ट के, तो यहाँ पर दोनों में ही काफ़ी अच्छे पोर्ट्रेट्स निकल कर आए हैं। ये कुछ पास से भी मैंने लिए हैं ऑब्जेक्ट्स के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, बहुत ही 19-20 का यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और जैसा मैंने आपको बोला था, पोर्ट्रेट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ने ही काफ़ी अच्छा पोर्ट्रेट यहाँ पर दिया हुआ है। और हम लोग इसमें जूम टेस्ट भी करेंगे, तो ये जो फोटो आप देख रहे हो ये 1x का है, इसके बाद हम 2x और 5x तक भी देखेंगे, क्योंकि A74 में यहाँ पर 6x तक का ही ऑप्शन है, इसलिए मैंने 5x तक ही इसको ऑप्शन में लिया हुआ है। ये 2x का फोटो आप लोग देख रहे हो अभी, तो डिटेल का अंदाज़ा आप खुद भी लगा सकते हैं। और यह है 5x, तो यहाँ पर A74 जो है थोड़ा सा शार्प है और इसकी डिटेल्स काफ़ी अच्छी है F19 से अगर कंपेयर करें तो। सेल्फी में बात करें, 16 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल, तो उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, बट F74 में भी 16 या 32 मेगापिक्सल देना चाहिए था। यहाँ पर बैक साइड में सनलाइट आ रही है, उसके बावजूद भी अच्छी क्वालिटी यहाँ पर सेल्फी कैमरे ने मेंटेन की हुई है। कुछ और सेल्फी पोर्ट्रेट्स भी मैंने यहाँ पर लिए, दोनों ने कलर्स अच्छे रिप्रोड्यूस किए हैं और वाइटनेस जो है इसकी वो काफ़ी अच्छी है, वाइट बैलेंस। कुछ माइक्रो शॉट्स भी लिए हुए, दोनों ने बहुत ही बढ़िया काम किया है माइक्रो शॉट्स में, नो डाउट। दोनों ही 2 मेगापिक्सल के माइक्रो शॉट के साथ आते हैं, तो बढ़िया क्वालिटी है, नो डाउट। कुछ और 48 मेगापिक्सल का यहाँ पर हमने सैंपल्स लिए हैं, जो डे लाइट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो डायनेमिक रेंज और स्काई कलर है वो F19 में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और A74 में थोड़ा सा डल लग रहा है, जैसा कि अभी आप इसमें देख सकते हो, क्योंकि ओवर सेचुरेटेड मिलेगा सुपर एमोलेड डिस्प्ले इस कारण, और यहाँ पर IPS डिस्प्ले, बट कलर काफ़ी अच्छे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे दोनों में ही। कुछ और यहाँ पर डायनेमिक रेंज और लो एंगल से मैंने फ़ोटो लिए हैं, दोनों में ही बढ़िया फ़ोटो आ रहे हैं। यहाँ पर स्टेबलाइजेशन भी टेस्ट कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं सेल्फी से। अभी मैं नॉर्मल वॉक करके बना रहा हूँ, तो आप खुद भी अंदाज़ा लगाइएगा कि कितना स्टेबल यहाँ पर दोनों में आ रहा है। मुझे यहाँ पर F19 का स्टेबल ज़्यादा लग रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा रनिंग करके भी देख लेते हैं कि कितना स्टेबल है, तो यहाँ पर दोनों में इतना खास स्टेबलाइजेशन नहीं है, बट इन दोनों में कंपेयर करें तो F19 का ज़्यादा अच्छा है, A74 में ज़्यादा शेक हो रहा है। बैक कैमरे का भी स्टेबलाइजेशन चेक कर लेते हैं यहाँ पर, तो बैक में भी अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो F19 का ही ज़्यादा अच्छा निकल कर आ रहा है, और A74 में उतना यहाँ पर स्टेबलाइजेशन नहीं है, काफ़ी ज़्यादा शेक हो रहा है वीडियो, और F19 में ज़्यादा अच्छा है। A74 में थोड़ा सा डल लग रहा है आपको, क्वालिटी भी और स्टेबलाइजेशन भी, ये देखिए आप। यहाँ पर स्लो मोशन भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं लास्ट में, तो दोनों में आप जज कर सकते हैं किसका स्लोमो आपको बेस्ट लगा है, कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये था ओप्पो F19 और A74 के बीच कैमरा कंपैरिजन, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।